नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 News। TV20 News पर देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। बहराइच से खबर है, जहां विशाल विश्वकर्मा के हथियारों को बचा रही पुलिस। 2 महीने से नामजद FIR होने के बाद भी अभी तक हथियारों की गिरफ्तारी न होना पुलिस की मंशा पर सवाल खड़ा किया है। मिश्रा की रिपोर्ट आने का इंतजार करने का बहाना बनाकर मामले को टाल रही पुलिस। यह आरोप पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा ने गणेशपुर गांव में विशाल विश्वकर्मा के परिजनों से मिलने के बाद पुलिस के सामने कही। बहराइच जिला के विशाल विश्वकर्मा हत्याकांड में पीड़ित परिवार से मिलने पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा आज बहराइच के थाना रोपेड़िया अंतर्गत गणेशपुर गांव पहुंचे। श्री विश्वकर्मा के साथ सपा जिलाध्यक्ष रामहर्ष यादव, पूर्व विधायक दिलीप वर्मा तथा अन्य नेतागण थे। पूर्व मंत्री ने मृतक की पत्नी, भाई, परिजनों व गांव के लोगों से मिलकर घटना की पूरी जानकारी ली। पूर्व मंत्री ने मौके पर आए रुपेड़िया थाना के इंस्पेक्टर से पूछा कि FIR होने के बाद भी अभी तक किसी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। श्री विश्वकर्मा ने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन अभियुक्तों को बचाने काम कर रही है। आज हम सभी लोग पार्टी के जिला अध्यक्ष रामहर्ष यादव और यहाँ के पूर्व विधायक दिलीप वर्मा जी और पार्टी के सभी कार्यकर्ता और विश्वकर्मा समाज के सभी नेतागण यहाँ पर आए। पीड़ित परिवार विशाल विश्वकर्मा के घर पर शोक संवेदना व्यक्त करने और इनमें जो कार्रवाई नहीं हो रही है उसमें बात करने के लिए, तो गांव के लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं, सभी लोगों से पता लगा है कि स्पष्ट रूप से विशाल विश्वकर्मा की हत्या की गई और पुलिस हत्यारों को बचा रही है। पूरे केस को डाइवर्ट कर दिया गया है और यहाँ तक मेरा आरोप है कि पोस्टमार्टम में भी छेड़छाड़ की गई है और स्पष्ट कारण न दिखा सके और अब तीसरा का बहाना लेकर के पुलिस इस मामले को इसलिए डिले कर रही है ताकि इसमें कोई कार्रवाई ना हो, पीड़ित पक्ष को न्याय न मिले। ये जो है हम आज आए हैं, यहाँ के पुलिस अधिकारियों से भी बात की है और लखनऊ जाकर शासन से भी बात करेंगे, DGP से बात करेंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी, हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी इस पीड़ित परिवार विश्वकर्मा परिवार के साथ खड़ी है और हमारी लड़ाई होगी इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए। और लखनऊ में भी DGP से मिलकर के पूरी घटना से अवगत कराएंगे और इसमें जो हत्यारे हैं, जिन्होंने हत्या किया है, उनकी गिरफ्तारी भी कराने का प्रयास करेंगे।